फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक एक और वीडियो के साथ। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूँ आपके लिए। ये हमारा सबसे सक्सेसफुल वूफर है। ये है हमारा DH12-D4 वर्जन 2। ये उसका सक्सेसर है हमारे पिछले सब वूफर का। जो भी कमियाँ उस वूफर के अंदर 19-21 जो भी उसके अंदर कोई कमी थी 1-2 वो सारी की सारी हमने इस वूफर के अंदर वो निकाल दी है। ये है अब एक परफेक्ट मॉडल है। इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें टर्मिनल्स हैं, बेटर मैगनेट है, बेटर वॉइस कॉइल, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बट जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए चेंजेस चाहिए थे वो सारे चेंजेस हो गए हैं। अगर पिछले वाला वूफर अगर 10 था तो ये 14 है या 15 कह सकते हैं आप, इतना फ़र्क है दोनों में। और ये मेरे हिसाब से बेस्ट एंट्री लेवल सब वूफर है इस प्राइस रेंज में। तो चलिए मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। पैकिंग वगैरह तो सब सेम है, बट फिर भी मैं आपको खोल के इसका आप देख सकते हैं। आपको 360 डिग्री व्यू दिखाऊँगा। टर्मिनल्स दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली टर्मिनल्स जो हमने यूज़ किए हैं इसमें काफ़ी हैवी टर्मिनल्स हैं। आप जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ 2 mm के वायर लगाएं तो मेरे हिसाब से शायद 5 या 6 mm के होल वाले टर्मिनल्स हैं। काफ़ी बड़े हैवी टर्मिनल्स हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारी पैकिंग। और ये सबवूफर आ गया है बाहर। तो मैं इसको पॉली बैग में से निकाल लेता हूँ। ये भाई वारंटी कार्ड है सेम। ये देख सकते हैं आप। पहले जो वूफर था उसमें थोड़ा सा इशू था कि उसमें ग्लू जो थी रिमेनिंग जो होल्स थे उनमें लगी हुई थी, अब वो नहीं है। आप देख सकते हैं सारे के सारे होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर एकदम। और ये जो पीछे से मैं दिखाता हूँ बास्केट है, ये जो आपकी बारी बास्केट के ऊपर टेक्सचर कोट है, सिंपल पाउडर कोट नहीं है। अगर आप इसको ऐसे हाथ लगाएंगे तो आप इसको फील कर सकते हैं। और जो ये जो वेंट थे एयर वाले, ये अब पहले ग्लूड होते थे, ये अब स्पॉट वेल्ड हुए हुए हैं। अभी कभी भी हटेंगे नहीं। और मैग्नेट भी सबसे अच्छी जो क्वालिटी की आती है वो मैग्नेट है अब की बार जो हमने यूज़ की है। टर्मिनल्स आपको मैं दिखा दूँ। DVC सबवूफर है, डुअल वॉइस कॉइल, दोनों तरफ इसके टर्मिनल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दूसरी तरफ भी सेम यही टर्मिनल लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा होल है टर्मिनल का। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रेस करके इसको। 2 mm के वायर इसके अंदर आसानी से डल जाती हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी के टर्मिनल्स हैं, बहुत मुश्किल है इसको नीचे दबाए रखना। देख सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसकी न्यू वीडियो भी बनाऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने अभी इंस्टॉल भी किए हैं ये वूफर। 10-12 वूफर इंस्टॉल हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो अभी और भी वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं लो पास फिल्टर के ऊपर बनाने के लिए, हाई पास फिल्टर के ऊपर बनाने के लिए। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहें और प्लीज़ अपनी सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहें। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। और सस्ते से सस्ते, अच्छे से अच्छे, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हम लेकर आएंगे। हमारे स्पीकर्स भी अभी बस लॉन्च होने ही वाले हैं। और ये हमारा न्यू वूफर आ चुका है। ट्रैक्टर्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਡ। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विच मैं अब जो न्यू वीडियो है बहुत ही जल्द बनाऊंगा। मुझे पता है चैनल इनएक्टिव हुआ है बहुत टाइम से, 2 महीने से कोई वीडियो नहीं आई है, बट अब रेगुलर वीडियोस आया करेंगे। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स और लाइक्स भेजते रहें। अब वीडियो को शेयर भी किया करें प्लीज़। थैंक यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो था, जो पिछला सबवूफर था हमारा वर्जन 1, उसकी पावर हैंडलिंग थी 350 RMS। और ये जो वर्जन 2 है इसकी पावर हैंडलिंग है 400 RMS। ये 400 RMS का सबवूफर है, ट्रू 400 RMS, कोई इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ नहीं। जो ये बॉक्स है, जो ये पैकेजिंग बॉक्स है और जो इसके पीछे जो बैक लेबल लगा हुआ है वहाँ पर स्टिल 350 RMS रेटेड है अभी भी ये, क्योंकि हमने न्यू लेबल्स नहीं लगवाए इन पर, यहाँ न्यू पैकिंग बनवाई है। क्योंकि हमने कॉस्ट कटिंग की है, क्योंकि हम वूफर का प्राइस पहले ही इंक्लूडिंग GST है तो प्राइस बढ़ चुके हैं सारी चीज़ों के। तो हमने कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल था सब कुछ हमने वही यूज़ किया। तो ये एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई 350 लिखा है इस पर तो ये 350 RMS का है। दिस इज़ अ 400 RMS सबवूफर। आप इसको चलाएं, बिल्कुल कंपेयर करें किसी चीज़ के भी साथ, और आप अपने रिव्यूज़ और अपने कमेंट्स प्लीज़ पोस्ट कर दिया करें। आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप उन्हें भी पोस्ट कर दिया करें। फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको सजेशन लेना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारा ही कुछ खरीदें, या किसी आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई क्वेरी है या कोई आप क्वेश्चन है आपके माइंड में, या कुछ आप सजेशन लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सब जगह मैंशनड है, वेबसाइट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कॉमेंट्स में भी मैंशनड है। तो जैसे भी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आप मुझे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।